फाइनली एसआरके की फिल्म यानी जवान, जिस फिल्म को मैंने थिएटर में एक्सपीरियंस किया नाइट शो के साथ, और इस फिल्म को देखने के बाद मेरा क्या था ओवरऑल ओपिनियन और इस फिल्म को देखने में क्या एक्सपीरियंस मिला, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस वीडियो में आपका जवान फिल्म रिव्यू में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रेडी, बात करें अगर एक लाइन में जवान फिल्म का रिव्यू करूं तो पूरी तरह से जो जवान फिल्म ने कम्प्लीटली मास एंटरटेनर मसाला है। जिस फिल्म के अंदर हमें मास एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक तगड़ा सोशल मैसेज भी देखने को मिलता है। पूरी तरह से फिल्म है एक मास एंटरटेनर ऑडियंस के लिए बनाई गई है। जो ऑडियंस एक मास और खूब सारा एंटरटेनमेंट फिल्म के अंदर ढूंढती है, उन ऑडियंस के लिए ये फिल्म पूरी तरह से सरप्राइज है और एक बहुत बड़ा खजाने से कम नहीं है। चाहे आप एसआरके के फैन हो चाहे ना हो, ये फिल्म आपको पूरी तरह से इंजॉय करा के ही मानने वाली। अब देखिए, या थिएटर को स्टेडियम में बदल दे वो कहते हैं एसआरके, खुद अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ दे उसका नाम है एसआरके। सही में पूरी तरह से जो ये जवान फिल्म है वो एसआरके के नाम ही। फिल्म के अंदर हमें शाहरुख खान के बहुत सारे रोल डिफरेंट कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं, और सभी कैरेक्टर्स को जो एसआरके ने प्ले किया है वो सही में बहुत ही कमाल का प्ले किया है। और इसके पीछे सिर्फ एसआरके को नहीं बोल सकते, इसके पीछे डायरेक्टर यानी कि एटली कुमार की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जो कि टोटली जो एसआरके को प्रेजेंटेशन किया है, एसआरके को जो गूस बम वाले एंट्री शॉट्स देखने को मिले हैं, एसआरके को ओवरऑल जिस तरह से बेस्ट क्वालिटी निकालकर जो प्रेजेंट किया है स्क्रीन पर, वो देखने में मजा आ जाता है। और इसमें जो एटली ने डायरेक्शन किया है पूरी तरह से खेल गए हैं, यानी कि मास फिल्म के अंदर एटली का वो जलवा देखने को मिला जो कि स्क्रीन पर आग लगा देता है। यानी कि ओवरऑल एटली ने दिस इज कॉल्ड परफेक्ट मास डायरेक्शन फिल्म बनाई है, जिसके अंदर बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, विजुअल्स, इफेक्ट्स, वीएफएक्स, कैरेक्टर को रिप्रेजेंटेशन और एक्शन सीक्वेंसेस, सभी चीजों को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया है, और फिल्म को देखने में जो एक मजा है वो बना रहता है। बैक टू बैक फिल्म के अंदर हर 10-15-20 मिनट पे एक्शन सीक्वेंस आते हैं जो कि एक माइंड ब्लोइंग देखने को मिलते हैं। कई सारे जो एक्शन सीक्वेंस है, जो कार्स वगैरह वाले हैं, ट्रक्स वाले एक्शन सीक्वेंस है, वो टोटली बहुत ही मजा देता है। एक्सपीरियंस एक हॉलीवुड लेवल का एक्सपीरियंस देता है। और ये फिल्म देखने के बाद ये बात मालूम पड़ जाती है, जो कि बॉलीवुड और साउथ का जो मैसअप कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, मास कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, वो बोलना चाहता हूँ पूरी तरह से बवाल है। क्योंकि यहाँ पे अगर बॉलीवुड का एसआरके का स्वैग और वही डायरेक्शन एटली यानी साउथ का एक्शन, तो भाई साहब आपको क्या ही चाहिए, फिल्म पूरी तरह से बवाल है। और ये कहीं ना कहीं पठान से बिगर, मोर देन मोर बहुत बड़ी यहाँ पे जवान होने वाली है, जो कि अपने ही पठान फिल्म के रिकॉर्ड 1,000 करोड़ को भी जवान बहुत ही आसानी से लगता है ब्रेक कर देगी। और साथ ही साथ इस मूवी के अंदर मेन विलन यानी कि विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ही काली वाला इंटरेस्टिंग रोल है। यहाँ पे विजय सेतुपति की जो राइटिंग है वो थोड़ी सी कमजोर देखने को मिलती है, बट हॉनेस्टली विजय सेतुपति को जितना काम दिया गया है बिल्कुल ईमानदारी से कैरेक्टर के अंदर वो घुस चुके हैं, और वैसा विलन निकल के आना अपने आप में एक अलग सा बात है। फिल्म के लिए विजय सेतुपति ने 21 करोड़ चार्ज किए हैं, बट वेरी हॉनेस्ट मैं कहना चाहता हूँ कि विक्रम जैसा काम यहाँ पे एटली ने विजय सेतुपति से थोड़ा निकलवाने की कोशिश नहीं की है। मैं इस वीडियो के बाद विजय सेतुपति के कैरेक्टर को लेकर विक्रम और जवान दोनों के कंपैरिजन पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको इस वीडियो को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और बात करें इसी के साथ साथ, तो यहाँ पे देखिए सोने पे सुहागा वाली बात करें, तो देखिए अगर मूवी देख रहे हैं आप तो एक चीज को आप बिल्कुल भी अंदाज नहीं कर सकते, वो है अनिरुद्ध का जो बीजियम, टोटली गूज़बम्प्स। ऑलरेडी जहां जहां पे बीजियम काम करता है इस मूवी के अंदर बसता है, अपने आप एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है। जो एसआरके का फादर वाला जो रोल है उसको एटली ने इस तरह से एक्सक्यूज किया है कि आपको पूरी तरह से मजा आ जाएगा। ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ कि फादर वाला जो एसआरके है वो बवाल है, वही पर्दे पर आग लगाता है। जो बेल्ट वाले और मुंह में सिगार जलाते हुए जो एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं एसआरके, वो कहीं ने जलवा ही जलवा है, और उस सीन के लिए तालियां और सीटियों से थिएटर गूंज उठता है, और उसी को बोलते हैं कि थिएटर को
एक स्टेडियम में बदल देना। ऑनेस्टली इसके अलावा जो टकले वाला जो कैरेक्टर है, टकले के पीछे जो दिमाग लगा के जो मिशंस को एक्सक्यूज किया है एसआरके ने, वो बहुत ही यूनिक तरीके से प्रेजेंट करते हुए दिखाई दिया। बट इस मूवी के अंदर जो स्टोरी लाइन है वो टिपिकलिटी है एक सोशल मैसेज के रूप में, जो हमारे ही समाज में हो रहे भ्रष्टाचार, अत्याचार और बहुत सारी ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस, उन चीजों को, इश्यूज को यहाँ पे फिल्म ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हुए दिखाई दिया है, जो कि इससे पहले हमने अपरिचित जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर देख रखा है। बट इसके बावजूद भी इस फिल्म के अंदर इसको जो दिखाने का जो नजरिया है, जो दिखाने का स्टाइल है, प्रेजेंटेशन है, वो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है। थोड़ी बहुत यहाँ पे दीपिका और नयनतारा के कैरेक्टर का भी जो रोल है वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छा है। दोनों का जो काम है बहुत ही बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर ओवरऑल जो फिल्म है पूरी तरह से मास एंटरटेनर एक्शन पैक्ड फिल्म है, जो कि हर टाइप की ऑडियंस को पसंद आने वाला है। और डेफिनेटली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छे खासे रिकॉर्ड्स बनाएगी भी और तोड़ेगी भी। तो आपको कैसा लगा ये ओवरऑल रिव्यू कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने जवान फिल्म को देख लिया है तो आपको जवान फिल्म कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ताकि मेरी फ्यूचर में और भी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रह सके। जय हिंद।